हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम इस वीडियो में पैटर्न मल्टीप्लिकेशन के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पैटर्न मल्टीप्लिकेशन हम डिस्कस ही क्यों कर रहे हैं, व्हाई पैटर्न मल्टीप्लिकेशन। सो अभी तक हमने 2 पॉइंट एंटीना एरे को ही डिस्कस करा है, हमने 2 पॉइंट से ज़्यादा एंटीना एरे में एलिमेंट्स नहीं लिए हैं। अगर हम 2 पॉइंट से एन पॉइंट एंटीना एरे पे जाएं, हम अपने एलिमेंट को 2 पॉइंट से एन पॉइंट तक बढ़ा रहे हैं। अब ये एन कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी 4, इट कैन बी 8, ठीक है। तो हम एन पॉइंट एंटीना एरे के लिए पैटर्न मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट का डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हम एन पॉइंट एंटीना एरे का रेडिएशन पैटर्न स्टडी कर सके, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 4 पॉइंट एंटीना एरे और 8 पॉइंट एंटीना एरे को डिस्कस करेंगे और हम देखेंगे कि कैसे हम 4 पॉइंट एंटीना एरे का रेडिएशन पैटर्न निकाल सकते हैं यूजिंग 2 पॉइंट एंटीना एरे ओनली। हम 2 पॉइंट एंटीना एरे को ही यूज़ करेंगे, उससे हम 4 पॉइंट एंटीना एरे का रेडिएशन पैटर्न फाइंड आउट करेंगे और 8 पॉइंट एंटीना एरे का भी रेडिएशन पैटर्न फाइंड आउट करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको समझ आएगा कैसे हम 2 पॉइंट से 4 पॉइंट और 8 पॉइंट तक मूव करते हैं और इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, इससे क्या बेनिफिट होता है। सबसे पहले आ जाते हैं 4 पॉइंट एंटीना एरे पे। 4 पॉइंट एंटीना एरे हम ऐसे एंटीनाज ले रहे हैं जो कि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट हैं, सबके बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाय 2 है और सब इन फेज हैं, ठीक है, किसी के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। अब हमारे पास 4 एंटीनाज हैं, चारों एंटीनाज को एंटीना 1, 2, 3 और 4 से टर्म कर लेते हैं, ठीक है। हर एक एंटीना का नाम दे देते हैं, फर्स्ट इज एंटीना 1, सेकंड इज एंटीना 2, थर्ड इज एंटीना 3 एंड फोर्थ इज एंटीना 4, आप देख सकते हैं फिगर में। तो अब हमारे पास 4 एंटीनाज हैं जो लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट हैं, फेज 0 है, कोई फेज नहीं है इनके बीच में। अब हम इनके ग्रुप्स बना लेते हैं, एंटीना 1 और 2 को एक ग्रुप में ले लेते हैं, एंटीना 3 और 4 को एक ग्रुप में ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एंटीना 1 और 2 है जो कि लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट है और उसके बीच में कोई फेज नहीं है। हमने ये वाला कॉन्फ़िगरेशन पढ़ लिया है 2 पॉइंट एंटीना एरे में, हमने ये वाला केस डिस्कस करा था जहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिखता है, इसका रेडिएशन पैटर्न नंबर 8 के जैसा दिखेगा, ठीक है, ये हमने डिस्कस करा था और इसे हम ब्रॉड साइड रेडिएशन कहते हैं। अगर अब हम एंटीना 3 और 4 को डिस्कस करें, एंटीना 3 और एंटीना 4 भी लैम्डा बाय 2 डिस्टेंस अपार्ट हैं और इन दोनों के बीच में भी कोई फेज नहीं है, तो अगेन इसका भी रेडिएशन पैटर्न सेम ही दिखेगा, इसका भी रेडिएशन पैटर्न नंबर 8 जैसा दिखेगा और इसे भी हम ब्रॉड साइड रेडिएशन पैटर्न कहेंगे, ठीक है। तो अब ये जो रेडिएशन पैटर्न एंटीना 1 और 2 की वजह से जनरेट हो रहा है, ये सेंटर पे जनरेट हो रहा है, एंटीना 1 और 2 के सेंटर पर इसका रेडिएशन पैटर्न जनरेट हो रहा है। इस सेंटर पॉइंट को हम ए पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। ऐसे ही एंटीना 3 और 4 का रेडिएशन उसके सेंटर पर जनरेट हो रहा है, इस पॉइंट को हम बी पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो अब हमारे पास पॉइंट ए है जो कि लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस अपार्ट है एंटीना 1 से और लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस ही अपार्ट है एंटीना 2 से, क्योंकि एंटीना 1 और 2 के सेंटर पर प्लेस्ड है ये। सिमिलरली एंटीना 3 और 4 को देखें तो इनके सेंटर पर हमारे पास एंटीना बी है, तो एंटीना 3 से लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस है, सिमिलरली एंटीना 4 से भी लैम्डा बाय 4 डिस्टेंस अपार्ट है। तो अगर अब मैं एंटीना 1 और एंटीना 2 कंसीडर करूं, यहाँ पर एंटीना है नहीं बट हम इमेजिनरी एंटीना कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ए पर और पॉइंट बी पर, जिसे हम एंटीना ए और एंटीना बी बोल रहे हैं। एंटीना ए और एंटीना बी इन फेज हैं, आप रेडिएशन पैटर्न को देख सकते हैं, ठीक है। अगर रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा आ रहा है, दोनों रेडिएशन एक साथ कर रहे हैं, कुछ उसके बीच में फेज डिफरेंस नहीं है, तो मैं कह सकती हूँ कि ये इन फेज है। इन फेज की कंडीशन पता लग गई है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है कि हमें डिस्टेंस पता होना चाहिए। अब आप इस फिगर से देख सकते हैं एंटीना ए और एंटीना बी के बीच में डिस्टेंस क्या है, एंटीना ए और एंटीना 2 के बीच का डिफरेंस, एंटीना 2 और एंटीना 3 के बीच का डिफरेंस, एंटीना 3 और एंटीना बी के बीच का डिफरेंस अगर हम सम कर दें, तो लैम्डा बाय 4 प्लस लैम्डा बाय 2
प्लस लैम्डा बाय 4 विच इज इक्वल टू लैम्डा। तो अब हमारे पास दो एंटीनाज हैं ए और बी जो लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट है और इन फेज हैं, ठीक है। इसके बारे में भी हम रेडिएशन पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा दिखता है और इस रेडिएशन पैटर्न में हमारे पास चार नल्स हैं और चार मैक्सिमा हैं, ठीक है। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि अगर मेरे पास 4 पॉइंट एंटीना एरे हैं तो अगर उसका दो दो इंडिविजुअल एंटीनाज ले लूँ तो उसके रेडिएशन पैटर्न कैसा दिखेगा, और इंडिविजुअल एंटीना का जो रेडिएशन पैटर्न से हमने फिर से रेडिएशन पैटर्न बनाया था जिसे हम ग्रुप पैटर्न बोलते हैं, वो रेडिएशन पैटर्न कैसा दिखेगा। अब हमें बताना है कि फाइनल रेडिएशन पैटर्न होगा क्या, क्या ये इंडिविजुअल पैटर्न होगा, क्या ये ग्रुप पैटर्न होगा। दोनों ही नहीं होंगे एक्चुअली, हम इन दोनों को कंबाइन कर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर एक नया पैटर्न बनाएंगे जो एंटीना 1, 2, 3 और 4 का फाइनल रेडिएशन पैटर्न होगा। तो अब हमारे पास एक इंडिविजुअल पैटर्न है, ठीक है, उसमें हम देख सकते हैं कि दो नल्स हैं। जो ग्रुप पैटर्न है इसमें हमारे पास चार नल्स हैं। अब हम पैटर्न मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इंडिविजुअल पैटर्न को ग्रुप पैटर्न से मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो रूल है वो है कि हमें सारी नल्स को ऐड कर देना है। इंडिविजुअल पैटर्न में दो नल्स हैं, ग्रुप पैटर्न में चार नल्स हैं। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 2 = 6, जो फाइनल आउटकम रेडिएशन पैटर्न होगा उसमें 6 नल्स होंगे, ठीक है। सबसे पहले हम नल्स बना लेते हैं। नल्स क्यों बनाया, हमें पता है जहां पर भी नल्स होगा वहां पर जीरो रेडिएशन है, वहां रेडिएट नहीं करेगा एंटीना, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट पर, एक इंडिविजुअल पॉइंट पर हमें दोनों पैटर्न्स को मल्टीप्लाई करना है। तो आप देख सकते हैं प्लस एंड माइनस एक्स डायरेक्शन में क्या हो रहा है, प्लस एंड माइनस एक्स डायरेक्शन में मैक्सिमा मल्टीप्लाई हो रहा है नल के साथ। तो जब भी हम किसी बड़े नंबर को, मैक्सिमा एक बड़ा नंबर डिनोट करता है, एक बड़े नंबर को नल, नल एक जीरो नंबर है, मैक्सिमा बड़ा नंबर, बड़े नंबर को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जीरो ही आने वाला है, ठीक है। तो प्लस और माइनस एक्स डायरेक्शन में हमारे पास जीरो है। अब हम प्लस वाई और माइनस वाई डायरेक्शन की बात करें तो प्लस वाई और माइनस वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, मैक्सिमा मैक्सिमा से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमा जाएगा। जितने भी पॉइंट हैं रेडिएशन पैटर्न में, हर पॉइंट पर दोनों इंडिविजुअल पैटर्न को और ग्रुप पैटर्न को मल्टीप्लाई करेंगे और आउटपुट रेडिएशन पैटर्न फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो हमारा आउटपुट रेडिएशन पैटर्न जब हमने सारे पॉइंट्स पे मल्टीप्लाई कर लिया है कुछ ऐसा दिखता है। तो अब हमें पता लग गया है कि 4 पॉइंट एंटीना एरे का फाइनल रेडिएशन पैटर्न कैसा दिखता है और कि हमने कैसे डिराइव करा। हमने कुछ नहीं यूज़ करा है, हमने 2 पॉइंट एंटीना एरे का ही रेडिएशन पैटर्न यूज़ करा है। तो एक चीज़ श्योर है कि हम इससे 2, 4, 8 ऐसे ही रेडिएशन पैटर्न निकाल सकते। इससे अलग कोई एंटीना का नंबर आया, लाइक अगर 5 आ गया एंटीना का नंबर, मैं उसका रेडिएशन पैटर्न मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट से नहीं निकाल सकती हूँ। तो अब आ जाते हैं 8 पॉइंट एंटीना एरे पे। मैंने क्या कहा था, 8 पॉइंट एंटीना एरे का भी हम रेडिएशन पैटर्न मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 8 पॉइंट में हम 4 एंटीनास को एक ग्रुप बना लेते हैं और दूसरे 4 एंटीनास को एक ग्रुप बना लेते हैं। एंटीना 1, 2, 3, 4 इज इन ग्रुप ए और एंटीना 5, 6, 7, 8 इज इन ग्रुप बी। आप देख सकते हैं हमने 2 ग्रुप बना लिए। अब 4 पॉइंट एंटीना एरे का तो फाइनल रेडिएशन पैटर्न हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो 4 पॉइंट एंटीना एरे का रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिखता है जो कि हमारा इंडिविजुअल पैटर्न की तरह वर्क करेगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया है इंडिविजुअल पैटर्न। इंडिविजुअल पैटर्न हमेशा कहां पर होगा, इन चारों एंटीना के सेंटर पॉइंट पर होगा, ठीक है। तो जो कि हम टर्मिनोलॉजी कर देते हैं इसकी ए, एंटीना ए, जैसे हमने पिछले केस में किया था। अब फिर से आ जाते हैं 5, 6, 7, 8 एंटीना पर। इसका रेडिएशन पैटर्न भी नंबर 8 की तरह ही दिखेगा जो अभी हमने डिराइव करा था। अब ये दोनों एंटीनास 2 लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट हैं। आप देख सकते हैं एंटीना ए और एंटीना बी के बीच का डिस्टेंस 2 लैम्डा है। तो अब हमारे को पता है एंटीना ए और एंटीना बी 2 लैम्डा डिस्टेंस अपार्ट हैं, दोनों के बीच का फेज 0 है, कोई फेज तो है नहीं। ये केस भी हमने डिस्कस कर लिया था 2 पॉइंट एंटीना एरे में, ये वाला केस डिस्कस करा था तो रेडिएशन पैटर्न कुछ ऐसा आया था। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास 6 नल्स हैं। पिछले केस में हमारे पास कितने नल्स आए थे, इंडिविजुअल पैटर्न में हमारे पास 8 नल्स थे। तो टोटल नल्स क्या हो जाएंगे, 8 + 6
टोटल नल्स हो गए 14। तो जब हम 14 नल्स को प्लॉट करते हैं तो वो ऐसा दिखता है, सारे नल्स को कंबाइन कर पहले तो नल्स की डायरेक्शन देख ली है, फिर से क्या करा, इंडिविजुअल पैटर्न अब हमें पता है क्या है, ग्रुप पैटर्न हमें पता है क्या है, इंडिविजुअल पैटर्न को ग्रुप पैटर्न से मल्टीप्लाई करा। सबसे पहले हमने नल्स वाले पॉइंट देख लिए कि नल्स वाले पॉइंट कहाँ क्या है और कहाँ पर है। तो नल्स वाले पॉइंट पर जीरो रेडिएशन रहेगी। अब इसके बाद हम मैक्सिमा फाइंड आउट करेंगे। जब हमने सारे पॉइंट्स पर मल्टीप्लाई करा इंडिविजुअल पैटर्न को और ग्रुप पैटर्न को इन द 360 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करा कि प्लस और माइनस वाई डायरेक्शन में हमें मैक्सिमा मिल रहा है। तो वी कैन सी जो आउटपुट रेडिएशन पैटर्न आएगा वो ऐसा दिखेगा। तो हमारा आउटपुट रेडिएशन पैटर्न 8-पॉइंट एंटीना एरे के लिए भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही था जो कि हमने 4-पॉइंट एंटीना एरे के लिए निकाला था और जो कि हमने 2-पॉइंट एंटीना एरे के लिए निकाला था। जब भी हमने केस सेम लिए थे, हमने कोई फेज डिफरेंस नहीं लिया किसी भी केस में, ठीक है। तो अब इससे हमें क्या इन्फेरेंस निकलता है, इससे हमें ये इन्फेरेंस निकलता है कि जितने भी हम नंबर ऑफ एंटीनाज बढ़ाते जाएंगे बट कंडीशन सेम है तो हमारे पास आउटपुट रेडिएशन पैटर्न सेम आ रहा है इन द केस ऑफ 2, 4 and 8 एंटीना एरे, ठीक है। अब इस केस के बाद हमें ये रियलाइज हुआ कि जो रेडिएशन पैटर्न आ रहा है उसकी डायरेक्टिविटी बढ़ती जा रही है अगर मैं एंटीनास का नंबर बढ़ा देती हूँ। अगर मेरे पास जितने ज़्यादा से ज़्यादा एंटीनास होंगे उतने ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर हो जाएगा रेडिएशन पैटर्न का। अब अगर मैं फर्स्ट केस देखूं, 2-पॉइंट एंटीना एरे में जो रेडिएशन पैटर्न था उसमें इतनी ज़्यादा डायरेक्टिविटी नहीं थी, हाफ पावर बीम विड्थ ज़्यादा थी। सेकंड केस में जब हमने 4-पॉइंट एंटीना एरे लिया, डायरेक्टिविटी इंक्रीज़ हुई, हाफ पावर बीम विड्थ डिक्रीज़ हुई। अब जब हमने 8-पॉइंट एंटीना एरे लिया, डायरेक्टिविटी और इंक्रीज़ हो गई, हाफ पावर बीम विड्थ डिक्रीज़ हो गई। एंड वॉट इज़ द यूज़ ऑफ डायरेक्टिविटी, जितना ज़्यादा डायरेक्शनल बीम है उतना ज़्यादा दूर तक ये जा सकता है, उतना ज़्यादा लॉन्गर डिस्टेंस इट कैन ट्रेवल, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको समझ आ गई होगी कि किस केस में हमारा रेडिएशन पैटर्न ज़्यादा ज़्यादा इंटेंस होता जाएगा। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाइए, अपना डाउट लिख दीजिए। आई विल बी ट्राइंग टू रिजॉल्व योर डाउट एज सून एज पॉसिबल। एंड अगर आपको तब भी डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाता है, यू कैन रीच आउट टू मी। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक बटन पुश करिए, सब्सक्राइब बटन पुश करिए एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।